जन्म से ही हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। क्यों उठना बैठना खाना बोलना हंसना, क्यों हर चीज का लिहाज हमें ही सिखाया समझाया जाता है। क्या हम इंसान नहीं है? है तो इतना भेदभाव क्यों? किस काम की है ये तरक्की? किस काम का है ये समाज जो आज के जमाने में भी औरतों को इंसान मानने को तैयार नहीं? सर, हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए 76,000 का प्री अप्रूव लोन पास हुआ है, क्या आप लेना चाहेंगे? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग मैडम। तो ऑफिस आवर्स में सोकर वुमेन कार्ड प्ले कर रहे हैं आप कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत प्रेशर में हूँ। सॉरी सर, सब पर मैं कॉल पर ही थी, कॉल डिस्कनेक्ट हुआ तो मैं थोड़ा सा। थोड़ा नहीं मैडम, बहुत आराम करती हैं आप, मैं देखता रहता हूँ आपको। और आपके थ्रू जो लोन सैंक्शन हुए हैं ना, अभी तक उनकी रिकवरी नहीं हुई है, उन पर ध्यान दो। अगर वो रिकवरी नहीं हुए तो पैसे सारे तुम्हें भरने पड़ेंगे या फिर जेल जाना पड़ेगा, समझे आप? सर सर प्लीज काम डाउन सर, ऐसा नहीं होगा, वो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। इंस्टॉलमेंट ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर वो रिकवरी नहीं हुई ना तो सारे पैसे भुगतने के लिए तैयार है ना। चलो काम करो और आप लोग भी काम कीजिए। मुमताज, एक एडवाइस हूँ तुमको, तुम्हें ना इस वक्त घर पे बैठ के रेस्ट करना चाहिए। वरुण, तुम्हें बताया तो था ना, अहमद का काम ठीक नहीं चल रहा है, और जब तक उसका काम ठीक नहीं होगा मुझे जॉब करनी पड़ेगी। उसका काम तो कभी भी ठीक नहीं चलेगा, क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है अपने काम के लिए। उसे पता है ना कि तुम यहाँ पे हो कमाने के लिए। ऐसा नहीं है वरुण, अहमद अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। तुम अहमद को ना खुदा मानना बंद करो और ये नवीन सर का लोन क्लियर करवाओ। तुम्हें पता है ना, एक नंबर के कमीने आदमी है। अहमद फोन उठाओ, अहमद कहाँ बिजी हो? मुमताज अभी तक यहीं हो? चलो घर तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, बैठ जाओ, रात बहुत हो गई है, चलो आराम से। अहमद, मैं वहाँ ऑफिस के बाहर से कब से तुम्हें फोन लगा रही थी और तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, और मैं वहाँ बेवकूफों की तरह सोच रही थी कि तुम शायद बिजी होगे। मुमताज सो सॉरी, वो फाइनल मैच आ रहा था, मैं देखने के लिए बैठ के मैं भूल ही गया तुम्हें लेने जाना है, सॉरी। सही, मतलब घर बाहर सब मैं संभालू और तुम यहाँ आराम से सोफे पर बैठ कर दारू पियो, टीवी देखो, बहाने बनाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से रोज नवीन सर सबके सामने मुझे कितना सुनाते हैं वो लोन अमाउंट्स के लिए। तो तुम उसका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? मैं लोग तुम्हारे पास इसीलिए लेके आया था कि मैं चाहता था तुम्हारा टारगेट पूरा हो। अब वो लोग लोन की किस्त नहीं दे पा रहे, लोन नहीं चुका पा रहे, तो मेरी क्या गलती है? एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, ऊपर से तो मुझे सुना रही हो। सही कह रहे हो, गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। मुमताज क्या हुआ, कल की बात से अब तक नाराज हो तुम? सॉरी बोला था ना तुमको। सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा क्या अहमद? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूँ। अच्छा सुनो, शुक्ला के लोन की किस्त है, तुम जमा कर देना। चलो तो ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? शुक्ला से कहो ना कि डायरेक्टली कंपनी को ट्रांसफर करे। अरे तुम जमा करो या कंपनी में जाके जमा करे, बात तो एक ही है, तुम भी तो उसी कंपनी में काम करती हो। हाँ सुनो, होता है कुछ और दोस्त हैं मेरे, वो भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तुम बात करके देखना जरा। अहमद मुझे नहीं लगता है कि अब नवीन सर मानेंगे, क्योंकि तुम्हारे थ्रू जितने भी लोगों ने लोन लिया है ना, उसमें से आधे लोग इंस्टॉलमेंट देने में गड़बड़ी कर रहे हैं। तो तुम बात तो करके देखना, माने तो ठीक ना माने तो ठीक।
चेकअप पे लिए गए थे ना तुम, क्या कहा डॉक्टर ने? यही कि स्ट्रेस कम लो और आराम करो, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। खैर तुम बताओ कब तक वापस आ रहे हो? दास तुम्हें बताया था ना मंडे को आऊंगा, कल पहुंच जाऊंगा 12 बजे तक। अहमद प्लीज जल्दी वापस आओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। मुमताज अब तुम दोबारा शुरू मत हो, आ रहा हूं ना कल। अहमद कौन है? कौन आया? एक मिनट, दरवाजे पर कोई है। अहमद वो लोग आ गए। कौन आ गया? मुमताज कौन आ गए? कहाँ ले जा रहे हो उसे? मुमताज, मुमताज। HR02AK2021। ये सब क्या है? शुभाना पा, मुमताज कहाँ है? साहब यही है अहमद, मुमताज का शौहर। बेचारी का 8वां महीना चल रहा था साहब, पता नहीं ये मक्कर से छोड़कर कहाँ भाग गया था। इन्होंने बताया कि कल 2 आदमी जबरदस्ती आपकी बीवी को घर से उठा के ले गए। क्या मुमताज ने कभी कुछ बताया था ऐसा? नहीं सर, मैं तो 3 दिन से काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, अभी लौट रहा हूँ आपके सामने। तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ? मुमताज का फोन भी बंद है। मुमताज का फोन बंद है ये तो मुझे नहीं पता, और फोन की बैटरी डेड हो गई थी तो रास्ते में बंद हो गया, रास्ते में कोई चार्ज करने के लिए जगह नहीं मिली इसलिए अभी भी बंद है। साहब कल आदमी जिस गाड़ी से आए थे उस गाड़ी का नंबर मैंने नोट कर लिया था, ये लीजिए। ये गाड़ी तो हरियाणा के रामफल चौधरी के नाम रजिस्टर्ड है, तुमने कभी सुना इस रामफल चौधरी का नाम? अच्छा मुमताज का हरियाणा से कोई कनेक्शन? सर मायका है हरियाणा में मुमताज का, हम दोनों ने भाग की शादी की है, मुमताज के घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। सर मुझे लगता है कि मुमताज के घर वालों ने ही उसे उठाया है। सर जिस लड़की की किडनैपिंग हुई है वो एरिया आपकी ज्यूरिडिक्शन में आता है, और जिस गाड़ी से किडनैपिंग की गई थी वो गाड़ी भी इसी एरिया से रजिस्टर्ड है सर। लड़की का अपने घर से भाग कर शादी करने का मामला है सर। ये लोकल लोग घर से भाग कर शादी करने को या गैर बिरादरी में शादी करने को गलती नहीं पाप समझते हैं, ये लोग अभी भी पुराने रीति रिवाजों को पकड़ के बैठे हैं। सर सर ये वही गाड़ी है जिससे किडनैपिंग हुई थी, 2021। अरे आओ दरोगा आओ, आई आओ भागे मारे। क्या लोगे चाय पानी कुछ? पता था पुलिस आने वाली है तो पहले ही पंचायत जोड़ ली। दरोगा ये गांव है, यहाँ पूरा गांव दांत कटी रोटी की तरह रहता है, सारे शहर जैसा न है। बगल में कोई रह रहा है सालों से और पता ही नहीं कौन है, या था हमारी रोज की बैठक से। वो गाड़ी तुम्हारी है? हाँ। तो ये कि इस गाड़ी में दिल्ली से मुमताज अहमद नाम की औरत को किडनैप किया गया है। क्या नाम होता है? मुमताज। सुना भाई मुमताज किडनैप हो गई। ओ शाहजहां पता नहीं कहां खड़े खड़े इंतजार कर रहा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। मैं भी मजाक नहीं कर रहा। कौन मुमताज? तुम्हें ये मुमताज? ये मुमताज है? इधर तेरा तो मैं बुरा था। ए को करम कर दिया तू काम में। ए शांत खड़ा रह। मुमताज नहीं, ये ज्योति है मेरी बहू, मेरे बेटे संदीप की लुगाई, और 6 महीने पहले ये भगा कर ले गया था। और भाई चोर का सीना तो देखो कैसा चौड़ा कि पुलिस लेकर आ गया। वो जो मुमताज है ना ज्योति, जब भागी थी तो उसकी कंप्लेंट हमने की थी, उसकी FI कॉपी है हमारा, ला दिखा। ये देखो जी ये है वो कॉपी। हमारे गाँव का छोरा कपिल परसों दिल्ली गया था, ये तो ज्योति से टकरा गया। उसने आके गांव में बताया कि ज्योति तो दिल्ली में रह रही,
तुम जाके उसे ठाला है। अब ये बताओ इसमें किडनैपिंग किस बात की? उस लड़की का नाम ज्योति है तो तुम मुमताज क्यों बता रहे हो? सर ये लोग ठीक कह रहे हैं, उसका असली नाम ज्योति और मेरा पंकज है। सर हम दोनों नाम बदल कर ही दिल्ली में रह रहे थे। हम अगर नाम नहीं बदलते ना तो ये लोग हमें ढूंढ के जान से मार देते सर, हमारी मजबूरी थी। हाँ जी तो हो गई आपकी तसल्ली, अब आपका काम हो गया, आप निकलो यहाँ से, ये हमारे घर का मामला है, हम निपट लेंगे। सर प्लीज सर, सर प्लीज आप एक बार ज्योति को बाहर बुला दीजिए, उसकी जान को खतरा है सर। अरे उसकी छोड़ तू अपनी सोच ले, भारी लुकाइए, मैं देख लूंगा क्या करना है उसे। सर ज्योति के पेट में मेरा बच्चा है सर, मेरे बच्चे की जान को खतरा है सर। अरे मार मार के तीतर बना दूंगा तेरा, उसके पेट में तेरा नाम मेरा बच्चा है, के पेट में मेरा बच्चा है। खान मसाला मांग रही है तेरी, जैसा बोले अली गाड़ दूंगा। शांत खड़ा रहे, जिस औरत को किडनैप करके लाए हो मुमताज या ज्योति जो भी है इससे मिलना है और मिल के ही जाएंगे। दवाई बात समझ में, चलो हटो। हमारा घर है, अंदर जाके दिखाओ। दरोगा अंदर तो जा नहीं पाओगे, मैं भी देखूं थारे में भीम कौन है। अरे पीछे हटो, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं था। ज्योति मारा वारिस हमें देख के चली जाए, फिर सुश्री जहां जाना चाहे कोई मतलब ना है। मन से हटो वरना सारे के सारे जेल जाओगे। हटाओ ये लाठियां, चलो हटाओ हटाओ चलो। शर्मा तोमर ये दोनों कमरे चेक करो। शर्मा तोमर तुम ठीक हो ना बेटा? लेके चलो। इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत, तुम सेफ हो। देखिए गांव वालों से तो हमने काफी कुछ सुन लिया, अब आपकी स्टोरी आप बताइए। सर मेरे बापू एक गरीब किसान है, जमीन के नाम पर एक छोटा सा टुकड़ा है जिसकी कमाई से घर चलाना बहुत मुश्किल है। पढ़ाई तो दूर की बात थी सर, पर मैंने बहुत मेहनत की सर, पढ़ाई में अच्छी थी मैं, इसलिए ग्रेजुएशन तक वजीफे पे मैंने स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई पूरी की। मैं काम करना चाहती थी सर, कुछ बनना चाहती थी। फिर एक दिन पास वाले गांव में एक शादी में गई मैं, वहां संदीप की नजर मुझ पर पड़ी। उसने अपने बापू को रिश्ता लेकर मेरे घर भेज दिया सर, और मेरे बापू को लगा कि लड़की की शादी बिना दहेज के हो रही है तो उसकी शादी कर दो, तो उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी संदीप के साथ, जहां मुझे प्यार इज्जत कुछ ना मिला, लेकिन इतना काफी नहीं था सर। एक दिन अरे आप कुछ चाहिए आपको? हाँ मैंने तू चाहिए, तू तो मलाई की तरह एकदम। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मेरे साथ भी कर क्या कर रहे हो? बाजी पिताजी, बाजी छोड़ो मुझे। अरे काहे गला फाड़ रही है छोरी, हैं ये क्या नारा लगा रखा है? हाँ नहीं नहीं क्या कर रहे हैं? अरे महाराज छोरा आज्ञाकारी है, इजाजत लेकर ही अंदर आया समझी। और एक बात कान खोल के सुन ले, अब तो सिर्फ संदीप की लुगाई नहीं है, रिंकू की भी लुगाई है। क्या? अब एक ही कोख से बच्चे हो जाए ना दोनों के, तो फिर कल जमीन जायदाद के लिए दोनों भाई के बीच में राड़ा नहीं होगा समझी। क्या कह रही हैं आप माँ जी? सुना क्या कह रही है माँ जी? ज्योति समझा कर, जिस बात में परिवार की भलाई हो ना वो मान लेनी चाहिए, चल जा। देखा माँ की कितनी फिकर है छोरे में, अब एक बात तू भी सुन ले, तू भी मान जा, और अगर नहीं मानेगी ना तो तेरे बाप के घर छोड़ आएंगे, फिर दिखाती रहना अपनी मास्टरानी उधर। अरे ब्याही हुई छोरी घर पर जाएगी ना माँ बाप के, तो तेरी बहन की शादी तो होने से रही। हा?
सर मैंने ये सब अपने बापू को बताया, लेकिन उल्टा वो मेरे ससुराल वालों को सपोर्ट करने लगे। उस दिन के बाद दोनों भाइयों का जब जी चाहता वो मेरा, और मुझे ये सब सहना पड़ता क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था सर। फिर एक दिन मैं पंकज से मिली। वो गांव में बाहर से कुछ मजदूरों को लेकर आया था ठेके पर। उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे इस नरक से छुटकारा दिलाएगा। पहले तो मैं डर गई, मुझे ये सब इम्पॉसिबल लगा सर कि कई लोगों को पता लग गया और मुझे जान से मार दिया तो। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई सर, तब मैंने सोच लिया था कि अपने बच्चे को इस माहौल में नहीं जीने दूंगी, उसे यहाँ पैदा नहीं होने दूंगी सर। इसलिए मैं पंकज के साथ दिल्ली भाग गई। मुझे लगा कि मैं उस नरक से निकल चुकी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था सर, ऐसा नहीं था। सर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सर, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ सर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए सर, सर प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ सर, ये लोग मुझे मार देंगे सर। दरोगा झूठ बोल रही से छोरी। अरे तने कद सुना कि बहु विवाह हुए, छोरी का ब्याह एक छोरे से हुए और सबकी लुगाई बन जाएगी। अरे जाके संग कोई अत्याचार होता तो मैं चुपचाप सहन करता, अरे ये सब तो इस छोरे के चक्कर में खड़ा रहे चुपचाप। अरे तने मारे पीछे पड़ जाओ और ये जाके संग गेल हो जाए। अरे झूठा इल्जाम लगा रही से मारे पे। सर मैं झूठी बोल रही सर, मैं झूठी बोल रही। हाँ झूठ ना बोल रही से। अरे इसके लक्षण तो शुरू से ठीक ना थे, इसीलिए तो जल्दी ब्याह करा दिया मैंने इसका, ताकि बिरादरी में नाक ना कटे मारी। सर प्लीज मेरा यकीन करिए सर, आप चाहे तो बिट्टो से पूछ सकते हैं, उसको सब पता है इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है। सर बिट्टो कौन है? रे नौकरानी थी हमारी और इसकी गड़ी लाडली है। अब से तुझे फटे पुराने कपड़े पहनने की जरूरत ना है, ये ले अब से इन्हें पहन, और किसी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना। लुटा दे सारा घर, लुटा दे इस पे, ककरानी को महारानी बना दे, पैर की जुत्ती को सिर पे चढ़ा रखा है। बुलाइए बिट्टो को। कहां से बुलाएं? ये भागी उसके पीछे, वो भागी, दो महीने हो गए, घर का पैसा जेवर सब लग के भागी। और आपकी थाने में रिपोर्ट लिखाई थी चोरी की, ना बिट्टो मिली ना चोरी का सामान। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता सर, जरूर इन लोगों ने बिट्टो के साथ कुछ किया है सर। मैं तने बता रहा हूँ दरोगा, जो तीन इतना दिन भागना है, ये सारी करतूत ना इस नीच की है कि सारा इल्जाम हमारे पे लगा दे और हम इसके झूठ की सजा काटे। नहीं सर नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ सर, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी होने वाली औलाद सही सलामत रहे, जो ज्योति के पेट में। तेरा बच्चा ज्योति, तुम कहते क्यों नहीं है कि ये मेरी औलाद है? अरे बता ज्योति, इधर देखो, ये मेरी औलाद नहीं है ज्योति, तुम्हारे लिए मैं यहाँ मरने चला आया, इन सब से बचने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। दरोगा जी देख लिया आपने, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये बालक ये संदीप का है और ये है संदीप की लुगाई, और बिना तलाक की ये शादी वैसे भी गैर कानूनी है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना बारिश मिल जाए, फिर इसकी मर्जी जहां चाहे वहां चली जाए। चल उठा ले चल इसको। पंकज प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, पंकज ये लोग मुझे मार देंगे। सर आपको जो करना है कीजिए, मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। पंकज अरे बंद कर तेरा नाटक, और कितनी बेइज्जती करवाएगी मारी तू। संदीप चल गाड़ी में बैठा इसको। नहीं 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 सर, मुझे उनके साथ नहीं जाना है सर, मुझे बचा लीजिए सर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बहुत डर लग रहा है। ज्योति आप लोगों के साथ नहीं जाएगी, अपने पिता के साथ जाएगी। दरोगा क्या बोल रहा था? मैं ना ले जा सकूं, कोई भी नहीं। अरे बिरादरी में हुक्का पानी बंद कराएगा क्या मारा? अरे ब्याही छोरी है, पियर नहीं ससुराल जाएगी। चुप, बकवास नहीं वरना सब लोगों को हवालात में डालूंगा मैं। ये कानून तुम्हारे समाज के हिसाब से नहीं चलता है। कानून के हिसाब से समाज चलेगा। और हाँ, ज्योति को या उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। लेके जाओ उसे, जा बेटा। और तुम लोग ज्योति का बुरा करने के बारे में सोचना भी मत, और निकलो यहां से। चलो दीदी। रे दूर रहे थे, बड़ा मोटा काम करके आई से ना, जो खुश हो रही से गाना गाले लगने की जरूरत ना से। बापू आपको कभी तरस नहीं आता हमारे पे?
रिसा की बेटी हूँ। तन्ने आया था तरस मारे पे। रे थारे करतूत की वजह से आज हमारा गांव में हमारा दरवाजे पे कुछ थूकने तक ना आता। रे मारा पास ना चलिया, नहीं तो वही थाने में गला तोड़ देता तारा मैं। पूरा घर छान मारा है, कहीं नहीं मिल रहा यार। तू इतनी सी चीज संभाल के नहीं रख सकता, अब गलती की है तो भुगत। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तू ही बता दे। मुझसे मत पूछ, जो करना है कर। ज्योति के अनुसार शादी के नाम पर उसके साथ छल हुआ था। जमीन का बंटवारा बचाने के नाम पर उसे दोनों भाइयों की पत्नी बनाया जा रहा था। एक औरत की बलि चढ़ाई जा रही थी, इसलिए वो अपनी जान बचाकर अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी जीने के लिए घर से भाग निकली। पर उसे फिर से जबरन उसी नरक में लाया गया। लेकिन पुलिस के सामने ये साबित होना बाकी था कि ज्योति बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी का शिकार थी या नहीं। और भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब नदारद थे। ज्योति ने पंकज से झूठ क्यों बोला कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा पंकज का है, और अगर पंकज उसे छोड़ चुका था तो इस बार वो भागकर कहां और किसके पास जा रही थी। क्या ज्योति झूठ बोल रही थी और सच कुछ और था, या फिर उसका डर सही था और उसकी जान को खतरा था। लगता है पहचान मिटाने के लिए जलाने की कोशिश की, लेकिन जला नहीं पाया। पर सर ये बैग, लगता है इसने फिर से भागने की कोशिश की। ज्योति का डर सही निकला, आ डाला बेचारी को। हमें इन लोगों के साथ इसे भेजना ही नहीं चाहिए था। उसे देखकर ऐसा लग रहा है इसका मर्डर 3-4 दिन पहले ही हो चुका है। आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है तो। बॉडी से इतने बदबू आ रही है, गांव वालों ने यही सुन के हमें फोन किया था। तो बॉडी बुरी तरह सड़ चुकी, कह पाना मुश्किल है कि कैसे मारा गया होगा। और ये इन्होंने तो मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई। क्या कंप्लेंट लिखवा था, मैंने तो पता था, फिर से भाग जागी। कब गायब हुई थी? 4 दिन पहले सवेरे नींद से उठे तो घर में ना दिखी, समझ के भाग गई। शोर इसलिए नहीं मचाया कि बेइज्जती हो जाती। अच्छा राम मर गई, इसके चाहने वाले तो गांव में आने लगे थे, उनके कारण और मिट्टी पलीत हो रही थी हमारी। मतलब कोई आया था? मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब उसने मारा घर छोड़ ही दिया था, मारे वारिस को लेके भाग गई थी, इज्जत का भट्टा बिठा दिया, तो फिर हमें के मतलब? वो सुसरी जिंदा है या मर गई? तुम लोगों ने उसे मारने की धमकी दी थी ना, भूल कर रहे दरोगा। अरे वंश बढ़ाने वाला था उसके पेट में, बालक के आने तक तो हम उसे खरोंच तक नहीं आने देते। घर में रहती जिंदा रहती, ध्यान नहीं दिया होगा किसी ने, मार दिया होगा। मर गई तो हम क्या करें? ज्योति जिस रात गायब हुई तो कहाँ था? घर पे ही थे। और कहाँ थे हम? और तू? अरे घर पे ही था। किशन ने बताया कि ज्योति से मिलने कोई आदमी आया था, अंदाजा है कौन था वो? यो तो पता नहीं कौन था, पर हाँ कोई तो मिलने आया था। भाई साहब ये ज्योति का घर यही है क्या? हाँ भाई साहब। क्या घर तो यही है, बाकी तू बता तू कौन है, के काम है तूने ज्योति से? भाई साहब जेल भिजवाना है उसको, मुमताज बनके मेरे ऑफिस में काम कर रही थी और पैसे लेकर भागी है वो। बोला तू जेल भिजवाएगा, बेवकूफ लग रहे हैं हम।
नहीं नहीं भाई, भाई साहब देखिए, आज की लड़ाने आया ना ज्योति से, मार साले को, आज की लड़ाने आया ना तेरा हवाई जहाज उड़ाता हूं मैं साले, रह रिंकू समझा समझा, अरे कि तेरी ज्योति मुमताज जो कोई भी है अभी आना रहती, अपने बाप के घर पे वो वहीं जाके मिल। शर्मा, ये ज्योति ने बताया था कि उसे बहुविवाह पॉलीगैमी के नाम पर दोनों भाइयों के साथ सोने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसकी गवाह उनके घर की नौकरानी वो बिट्टो थी। ज्योति झूठ बोल रही है सच बोल रही है ये जानने के लिए बिट्टो का मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन सर, ज्योति के ससुराल वालों ने कंप्लेंट लिखवाई थी कि बिट्टो उनके घर पे चोरी करके भागी। तुम्हें लगता है ये ज्योति के ससुराल वाले सच बोल रहे? हेलो, क्या ठीक है सर? दिल्ली से पीएसए तोमर का फोन, पंकज अपने घर से गायब है। गायब है या गायब कर दिया गया है? शर्मा, इस पंकज के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस निकालो और अपने खबरियों का अलर्ट करो। ये बिट्टो और इस पंकज दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। रा इतनी जल्दी क्यों है तने मरने की? एक बार मारा काम हो जाने दे, फिर तेरी यो इच्छा भी पूरी कर देंगे। उससे पहले तने मरने तो देंगे ना हम, इसलिए खा पी के तू मस्त रह। नहीं, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो यहाँ से। यो तेरी सजा है जिसे तुझे भुगतना पड़ेगा। मुझे नहीं खाना। जब तक तेरी सजा पूरी ना होती, खाना भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा और जीना भी पड़ेगा। सर, वो लोग इंसान नहीं थे सर, जानवर थे वो लोग सर। अपने लोन के पैसों के लिए मुमताज को ढूंढते हुए मैं सर वहां पर चला गया सर। आप मानेंगे नहीं सर, उन लोगों ने मुझे थप्पड़ों से मारा सर। ज्योति के पति संदीप के घर जाने के बाद तुम उसके पिता किशन के घर भी गए थे? हाँ सर, मेरा जाना मजबूरी था, लेकिन मैं डरते डरते गया सर, पता नहीं क्या हो जाए। देखो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लोन के पैसे वापस दिलवा दो वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा कि तुमने कंपनी के साथ फ्रॉड किया। सर मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया सर, प्लीज मेरा यकीन करिए सर। अगर आप मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद करेंगे ना, तो मैं वादा करती हूँ आपके पैसे वापस दिलवा दूंगी सर। मैं मेरे होने वाले बच्चे की कसम खा रही हूँ सर, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, उल्टा मेरे साथ धोखा हुआ सर, प्लीज मेरी मदद करिए। देखो मुझे बेवकूफ मत बनाओ इस तरह से बार बार, आई ना समझ में? है कौन है तू? सर वो गिड़गिड़ा रही थी सर, बच्चे की कसम खा रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फ्रॉड उसने किया या फिर किसी और ने किया। एक्चुअली ये फ्रॉड था क्या, और तुम्हें क्यों लगता है कि ज्योति इसमें इन्वॉल्व थी? ज्योति मेरे यहाँ पर लोन डिपार्टमेंट में काम करती थी, जितने भी ये लोन सैंक्शन हुए हैं ना सब उसी के थ्रू हुए हैं। सर ये 2 लाख के लोन का एप्लीकेशन फॉर्म है और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चेक कर लीजिए। पेपर्स तो सब क्लियर हैं, लेकिन रिटर्न की गारंटी क्या है? सर रिटर्न की गारंटी के लिए वो अपने लैंड के पेपर्स डिपॉजिट करेंगे, और मेरे शौहर के अच्छे दोस्त हैं, फ्रॉड नहीं है। अच्छा अच्छा, इन सारे लोन्स में उसके पति पंकज अहमद वो भी इन्वॉल्व था? हाँ सर, ज्योति ने बताया था कि जितने भी क्लाइंट थे वो उसके पति के थ्रू आए थे। शुरू में तो सर उसने ईएमआई प्रॉपर टाइम पे करवा करना सर मेरा विश्वास जीत लिया, लेकिन अभी 4-5 महीने से सर लोन की एक भी ईएमआई नहीं आ रही है सर, और यही अमाउंट मेरा कुछ 26 लाख रुपए अटका पड़ा है सर। 26 लाख? जी हाँ सर, इतना बड़ा अमाउंट था इसलिए सर मुझे ज्योति के ऊपर प्रेशर डालना जरूरी हो गया था सर। जो लोन आपके थ्रू सैंक्शन हुए हैं ना, वो रिकवरी नहीं हुई ना, तो पैसे सारे आपको भरने पड़ेंगे या फिर जेल जाना पड़ेगा, समझिए आप। और सर फिर वो एक दिन अचानक गायब हो गई और मुझे डाउट हो गया, मैंने सारे पेपर मंगवाए और चेक किया और सारे पेपर सर फर्जी निकले, जिन अकाउंट्स में लोन ट्रांसफर हुए वो अकाउंट्स भी फर्जी निकले। ये सारे लोन्स जो भी ज्योति के थ्रू सैंक्शन हुए थे, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और वो लोन का पैसा जिन जिन अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ था, सबकी डिटेल्स चाहिए अर्जेंट। शर्मा, ये पंकज और लोन का 26 लाख रुपया दोनों ही गायब है, लगता है दोनों ही फ्रॉड भी है। सर मुझे तो इस नवीन पे भी डाउट हो रहा है, ज्योति की वजह से उसे 26 लाख का फटका लगा पर वो इतने आराम से बैठा हुआ है। ये नवीन ने जो स्टोरी सुनाई है, जरा पता करो इसमें कितनी सच्चाई है। जी सर। सर ज्योति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
उसकी मौत रात 8 से 9 बजे के बीच सर पे रॉड या किसी भारी चीज से वार करने की वजह से हुई, और उसकी बॉडी को जलाने की भी कोशिश तो की गई लेकिन पेट्रोल या केरोसिन जैसी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये ज्योति जो घर से बैग लेकर भागी थी वो भी उसकी बॉडी के पास खुला हुआ पड़ा मिला, और वो जो कपड़े थे वो भी उसकी बॉडी पर अधजले मिले। इसका मतलब कि बॉडी को उन कपड़ों से जलाने की कोशिश की गई जिससे वो बॉडी जली नहीं और हमारी पहचान में भी आ गई। तो लगता तो ऐसे। और ये पंकज, उसके कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला? सर उसका फोन फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे लिया गया है, और ज्योति के मर्डर के वक्त उसकी लोकेशन उसके गांव की थी। और ये प्रॉपर्टी के पेपर? सर वो भी फर्जी। कुछ फर्जी, ये सिम कार्ड ये भी फर्जी डॉक्यूमेंट पे लिए गए, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स फर्जी, यहाँ तक कि बैंक के सारे अकाउंट वो भी फर्जी डॉक्यूमेंट पे खोले गए। पता करो ये सारे अकाउंट किसने और कैसे खुलवाए, और ये भी पता करो इन सारे अकाउंट से किसने और कब कब पैसे निकलवाए। किसी से इस पंकज और ज्योति के फ्रॉड का पता चले शायद। जी सर। सर और सुनो, ये बिट्टो, इसका कुछ पता चला? सर नहीं, हमारे खबरी काम कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। हमने गांव के लोगों से भी ये पॉलीगेमी बहु विवाह के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की, सब लोग ज्योति के भागने को गांव की इज्जत के साथ जोड़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता रहा। शर्मा ये तो पता करना पड़ेगा कि ज्योति घर से भागने के लिए झूठ बोल रही थी या सचमुच में ऐसा था कि दोनों भाई उसे बीवी बनाकर उसके साथ रेप कर रहे थे। तो बिट्टो को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वही असली सच्चाई था। इनमें से आधे से ज्यादा अकाउंट्स खाली कर दिए गए, एटीएम कार्ड के डेली लिमिट के हिसाब से पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं। मतलब बैंक ना जाना पड़े इसलिए 90 अकाउंट खोले गए। जी सर, लेकिन अब भी कुछ अकाउंट में 7 से 8 लाख रुपए बचे हुए, उन्हीं में से एक अकाउंट में से ज्योति के मर्डर के बाद एटीएम में से 25,000 रुपए विड्रॉ किए गए। शर्मा उस एटीएम का पता करो जिससे पैसे निकाले गए, और उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाओ। सर पंकज की मोबाइल लोकेशन के मुताबिक जिस वक्त ज्योति को किडनैप किया गया उसकी मोबाइल की लोकेशन जयपुर के जगतपुरा एरिया की थी, पर यह भी पता चला कि हर महीने 15 दिन में उसकी मोबाइल की लोकेशन उसी एरिया में 3 से 4 दिन के लिए होती। जयपुर की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो और पता करो इस पंकज का उस एरिया से क्या संबंध है। जी सर। जयपुर पुलिस की मदद से पंकज की तलाश शुरू हुई, और तभी उन्हें हरियाणा से एक ऐसी लीड मिली जिसने कई सवालों के जवाब तय कर दिए। सर जयपुर पुलिस पंकज की तलाश कर रही है लेकिन वो अब तक हाथ नहीं लगा है। तो सर इसमें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के उस एटीएम की फुटेज है जहाँ पे ज्योति के मर्डर के बाद फेक अकाउंट से 25,000 रुपए निकाले गए। ये आदमी मुंह पे गमछा बांधा हुआ है, शक्ल तो पहचान में नहीं आ रही है। शर्मा तो पंकज जैसा तो नहीं लग रहा है, तो बॉडी स्ट्रक्चर से मैच नहीं हो रहा। एक काम करो, इस एटीएम से इस टाइम पर जितने भी नोट निकाले गए उनके सारे सीरियल नंबर बैंक से पता करो, और हाँ वो लड़के जो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं ना, इन सारे 90 अकाउंट्स के वेरिफिकेशन के लिए जो लड़के गए थे उन सबको पूछताछ के लिए बुलाओ। सर कैसे पॉसिबल है कि फर्जी डॉक्यूमेंट से 90 अकाउंट खुल गए और किसी को गलत नहीं लग रहा? सर एक्सक्यूज मी, हेलो, ठीक है सर, बिट्टो का पता चल गया। कहाँ है वो? एक आदमी को रास्ते पर बेहोश पड़ी मिली थी, वही इसे हॉस्पिटल लेकर आया। जैसे ही इसे होश आया बोली पुलिस को बुलाओ, बहुत ही डरी हुई थी। कहाँ थी तुम इतने दिन और किससे बचकर भाग रही थी? पूरा जानवर लोग ऐसा, वो इंसानों का परिवार नहीं, राक्षस है वो लोग। गांव में अम्मा की तबीयत खराब है, थोड़े पैसे चाहिए। 4 दिन पहले तनख्वाह दिए तेरे को, अब किस बात के पैसे मांग रही है? थोड़ा एडवांस चाहिए, काम करके सब चुका देंगे। काम तो बड़ा, तू यहाँ हल चला रही है, लाखों में सैलरी है जो तुझे एडवांस चाहिए। भाई ध्यान रखिए उस पे, कहीं चोरी चकारी करके भाग ना जाए। रब खड़ी मुंह के देख रही है, जा जाके लस्सी लेके आ। बिट्टो अरे क्यों उदास है तू? कितने पैसे चाहिए? 10,000 चाहिए थे। 10? बस ये ले, पूरे 20 वापस नहीं करना तेरे को, मैं खुद वसूल कर लूंगा। हाँ देख, मैं क्या कह रहा था सुन, माँ का सोचकर हम सब बर्दाश्त करते थे। अच्छा ये ज्योति घर से गई क्यों थी? उनकी किस्मत भी हमारी तरफ उल्टी थी। <स्थ। <स्थ।
जमीन बचाने के नाम पे भेड़िया लोग भाभी के साथ जबरदस्ती करते, दोनों भाइयों के लिए एक ही बीवी ऐसा मौत। सही किया उन्होंने वहां से भाग के, कि भागने के बाद उन लोग की बहुत बेइज्जती, और ये झूठी इज्जत बचाने के लिए वो लोग भाभी को मारने के लिए ढूंढ रहे। मतलब रामफल और उसके दोनों बेटों ने तुम्हें कैद करके रखा था, पर मजबूरी में ही सही तुम वो कर रही थी जो वो करवाना चाहते थे। तेरे इन दो नालायकों ने पहले ज्योति की जिंदगी बर्बाद की और तूने बिट्टो की। जब ज्योति से वारिस चाहिए था तो उसे मारा क्यों? हमने उसे नहीं मारा, हमें तो बच्चे के आने का इंतजार था। अगर तूने नहीं मारा तो तेरे नालायक बेटों ने मारा होगा ना। क्यों मारना होता तो थारे आके उसको बचाने का इंतजार थोड़ी ना करते, कद का मार देते सर। हमने नहीं मारा साहब, वारिस की खातिर हमने बिट्टो को नहीं मारा तो ज्योति को कहां से मारेंगे हम? शर्मा ये इतनी आसानी से नहीं बताएंगे, हड्डियां तोड़ो इनकी। सर सच बोल रहे हैं सर, सच। सर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं, टारगेट पूरा नहीं होता तो सैलरी भी नहीं मिलती, इसलिए जो भी व्यक्ति जहां बुला लेता है वेरिफिकेशन के लिए वहां चले जाते हैं। उन लोगों को देखोगे पहचानोगे? हाँ सर श्योर पहचान जाएंगे। बताओ सर, हमें झूठे वेरिफिकेशन के लिए पैसे मिले थे सर। किसने दिए थे पैसे बोल? पंकज ने, वो हमें अलग अलग जगह पे मिलने के लिए बुलाता था और उसने कहा था इस काम के लिए पैसे मिलेंगे और हम मान भी गए, पर कुछ दिन बाद पैसे आना बंद हो गए और वो दोनों गायब भी हो गए। वो दोनों? दूसरा कौन था? मतलब कोई औरत थी? नहीं सर, वो औरत नहीं आदमी था। पंकज भाई अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ हुई। मैं बैठा हूँ ना बैंक में, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम पर कोई हाथ नहीं डालेगा। तू तो उन्हें बचा रहा था ना, तो अब आया ना पुलिस के हाथ में, तो अब कौन बचाएगा तुझे? पंकज कहाँ है? बोल पंकज कहाँ है? सर जयपुर में। जी पंकज यही रहता है? कौन पंकज? यहाँ मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड रहते हैं, और उनका नाम पंकज नहीं निखिल है। वो देखिए वो आ रहे हैं। सर मेरा असली नाम निखिल है, मैंने ज्योति से झूठ कहा था कि मेरा नाम पंकज है। सर मैं पहले से शादीशुदा हूँ और ज्योति को मेरे सच के बारे में पता ना चल जाए इसीलिए झूठ का सहारा लिया था। समझ गया, आगे बोल। सर सुमित और मैं एक साथ जयपुर से दिल्ली आए थे, सुमित की तो दिल्ली में बैंक में नौकरी लग गई पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिली, तो मैंने सुमित के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। देख तू अगर अपने बैंक में फर्जी अकाउंट खुलवा दे तो हम लोग रातों रात अमीर हो सकते हैं। अब इतने सारे अकाउंट खोलने के लिए बहुत सारे लोग और डॉक्यूमेंट चाहिए, अरे वेरिफिकेशन होता है यार बैंक की तरफ से। देख तू बस वेरिफिकेशन संभाल ले, लोग और डॉक्यूमेंट्स मैं अरेंज कर दूंगा। सर मैं सेल्स में था, लोगों को फंसाना मुझे बहुत अच्छे से आता है, पैसों का लालच देकर मैंने कुछ लोग खड़े किए और इसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे उनके अकाउंट खुलवा दिए, और उसके बाद तूने ज्योति को बेवकूफ बनाकर फर्जी प्रॉपर्टी के कागजात बनाए और उन कागजात पर लोन्स उठाए। जी सर। वो बेचारी तुझे फरिश्ता समझ रही थी, तो शैतान निकला, से मारा क्यों? नहीं सर मैंने मारा नहीं है सर ज्योति को। अच्छा दिखाओ ये, जिस दिन ज्योति का मर्डर हुआ तेरी लोकेशन उसी गांव में थी, सच बोल क्यों मारा उसे? सर मैं मानता हूँ कि मैं ज्योति के गांव गया था लेकिन उसे मारने नहीं गया था, अपनी पासबुक और एटीएम लेने गया था। सर सुमित ने तो सारे पैसे अपने अकाउंट से निकाल लिए थे, मैंने अपना पूरा घर छान मारा, ना तो मुझे पासबुक मिली ना एटीएम मिला। सर मैं अच्छे से जानता था कि ज्योति के गांव जाना खतरे से खाली नहीं है, पर मैं क्या करता वही बार बार फोन करके बुला रही थी, तो मुझे लगा मैं गांव जाऊंगा उसे इमोशनली ब्लैकमेल करूंगा और अपना पासबुक और एटीएम ले लूंगा। तुमने मुझसे झूठ बोला, फ्रॉड किया मेरे साथ। देखो तुम्हें अगर पासबुक और एटीएम चाहिए ना तो बदले में तुम मुझे यहां से ले जाओ, सोच लो पंकज। हाँ तो मैं लेके जाऊंगा ना ज्योति, लेकिन उसके लिए मुझे पासबुक और एटीएम चाहिए,
ताकि मैं सब अरेंज कर पाऊँ। जैसे सब अरेंज हो जाएगा मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा पक्का। तुम्हारी नियत मैं समझ चुकी हूँ पंकज, अब तुम्हें पासबुक एटीएम कुछ भी नहीं मिलेगा। और सर उसके बाद ज्योति वहाँ से चली गई, मेरे फंसे हुए पैसे मिलने का कोई चारा ही नहीं था। और सर मैं जानता था कि ये फ्रॉड का केस एक दिन सामने ज़रूर आएगा, इसलिए मैं चुप बैठ गया था। पर सर मैं कसम से कह रहा हूँ सर, मैंने ज्योति को मारा नहीं है सर। अगर ये पंकज सच बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ज्योति को किसी गांव वाले ने या उसी के घर वाले ने मारा है, जिसे पता था कि ज्योति के पास पासबुक और एटीएम कार्ड है, क्योंकि एटीएम से पैसे ज्योति के मरने के बाद ही निकाले गए। सर मैं एक काम करो, जरा गांव में पता करो कि कौन है जो अचानक से अमीर बन गया है और पैसे उड़ा रहा है। जी सर। सर वो तो खुद लोगों को बोल रहा है कि उसी ने ज्योति का मर्डर किया। जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही, पर एडवांस में वही सीरियल नंबर के नोट्स बांट रहा है जो ज्योति के मर्डर के बाद एटीएम से निकाली गई। उठाओ इसे। तो बता क्यों मारा अपनी बेटी को? कदी ना मन नहीं मारा हमारी छोरी ने। अच्छा, जो तो खुद ही बताता हुआ घूम रहा है पूरे गांव में कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया, वो क्या है? अरे वो तो इज्जत की खातिर झूठ बोलना पड़े दरोगा। अरे अपने गांव में बिरादरी की इज्जत की खातिर अपनी छोरी ज्योति का खून मन ने अपने हाथों से कर दिया। अच्छा, और वो झूठ मैंने खुद फैलाए थे, तभी तो बबलू का बाप बबलू और प्रिया की शादी के लिए तैयार हो गया। इतने सारे पैसे तेरे पास आए कहाँ से? क्यों? क्योंकि जिसने तुझे वो पैसे दिए ज्योति का मर्डर उसी ने किया है। यूं तो ज्योति को मारने के बाद एटीएम से पैसे तूने निकाले थे। और वो एटीएम कार्ड तूने इसे दिया। हाँ, क्योंकि मेरी शादी ना होने में सिर्फ दो ही प्रॉब्लम थी, एक पैसे की और एक दीदी के वजह से जो हमारी बदनामी हुई थी उसकी। पर इन्हीं दो वजह से बबलू के बापू हमारी शादी को ना करा रहा था, और फिर दीदी ने एटीएम देके और पासबुक देके हमारी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। छोटी मुझे माफ़ कर दे, हमारी वजह से तेरी शादी टूट गई, ये सब हमारी वजह से हुआ है ना, अब मैं ही इसे ठीक करूँगी। ये ले पासबुक और एटीएम कार्ड, इस अकाउंट में ना कम से कम 7-8 लाख रुपए हैं, इससे तेरी और बबलू की शादी धूमधाम से हो जाएगी। फिर मैंने बबलू को बताया कि हमारे पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो इसने कहा पैसे तो हो गए पर जो दाग इज्जत पर रह गया उसका क्या? जब तक वो नहीं धुलेगा ना हमारा पप्पू ना ब्याह के लिए हानि करेगा, और ऊपर तब तक ज्योति थारे ही घर में थारे ही साथ रह रही है, मैंने तारा बाप नहीं समझ में आता, मारने के बजाय उसकी तीमरदारी में लगा हुआ है। अरे वो नहीं मार रहा तो क्या हो गया, हम मार देते हैं है ना, और सारा पैसा भी हमारा ही हो जाएगा और तेरा बापू भी खुश हो जाएगा। उसके बाद दीदी जहाँ भी जाती मैं पूरी नज़र रखती उस पर। फिर वो एक दिन पंकज से मिलने गई तो मैंने बबलू को कॉल करके सब बता दिया। दीदी निकल चुकी है। कमरे निकल बैठ। अगर मैं सारे पैसे बापू ने दे देती तो मुझसे 1000 सवाल पूछता, इसलिए मैंने पैसे बबलू को दे दिए, ये कहकर कि इज्जत तो वापस आ गई है, तो फिर अब शादी पैसे की वजह से क्यों रुके? और ये पैसे उसने बापू को दे दिए, और वैसे भी मेरी शादी दीदी के वजह से टूटी थी, हमारी बदनामी हुई थी, पहले जैसा सब करना था तो इसलिए मार दिया दीदी को। अब जाओ जेल, वहीं निकलेगी तुम्हारी बारात। हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, हम गलत बातों गलत चीजों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, आवाज उठाएंगे तो समाज बदलेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।